हाय गाइस, पेटलवर यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और आपके जो पैरेट्स हैं वो भी एकदम अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे। गाइस, मेरे चैनल के ऊपर एक कमेंट आया कि भाई हमारे जो पैरेट्स हैं वो कंडम ब्रीड कर रहे हैं। आपको बता दूं कंडम ब्रीड क्या होती है। कंडम ब्रीड ये होती है कि जब आपके बर्ड्स ब्रीड करते हैं और उनके जो बेबीज निकलते हैं तो उनके या तो फैदर में प्रॉब्लम्स आ रही होती है या फिर उनके जो पैर होते हैं, लेग होते हैं, वो जो है ना सीधे हो जाते हैं, मतलब एकदम सीधे रहते हैं, स्ट्रेट रहते हैं, फैल जाते हैं और जो पैरट्स होता है वो एकदम बेकार होता है। या फिर देखने में ये भी मिला है कि किसी की चोंच में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है या फिर किसी के पैरट्स के अंदर देखने में ये मिलता है कि उसके फैदर ही बिल्कुल नहीं आते। तो इस तरह की जो ब्रीड होती है उसे हम लोग कंडम ब्रीड कहते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, ये भी एक सवाल है। तो भाई ऐसा इसलिए होता है जब हमारे जो पैरट्स हैं ये लगातार ब्रीड कर रहे होते हैं, मतलब बजीज पैरट्स। जब आप फर्स्ट ब्रीड लोगे अच्छी ब्रीड मिलेगी, सेकंड ब्रीड लोगे तब भी अच्छी मिलेगी, थर्ड लोगे तब भी आपको अच्छी मिलेगी, लेकिन जैसे ही हम फोर्थ फिफ्थ पे जाते हैं तो हमें ये प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। ऑलमोस्ट ज़्यादातर ऐसा होता है, ज़्यादातर लोगों में ये देखा गया है, मतलब ज़्यादातर ब्रीड में ऐसा देखा गया है। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा मेरे साथ भी होता है, ऐसा नहीं है कि मेरे साथ नहीं होता है। भाई मैंने जहाँ तक इसको एनालिसिस किया है, मैंने इसको समझा है, तो ये समझ में आया है कि बजीज पैरट्स की ब्रीड की एक लिमिट होती है। भाई तीन बार ब्रीड ले लो, चार बार ब्रीड ले लो, जहाँ आप पांचवी बार पे जाते हो या छठी बार पे जाते हो, सिक्स बार पे जाते हो, तो होता क्या है कि आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलने लगती है। क्योंकि बर्ड्स के अंदर भी यार चीज़ें होती हैं, उनकी भी एक इम्यूनिटी होती है, उनके शरीर में भी एक पावर होती है ना। और अगर मैं बात करूं इनके ज़्यादातर बेबीज़ ख़राब होने की, तो भाई मेरे साथ में होता ये कि फोर्थ ब्रीड में जो है ना हमें ऐसा देखने लगता है, जो फोर्थ क्लच होता है हमारा उसके अंदर हमें ये प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। फोर्थ क्लच में ज़्यादातर मेरे साथ में ये सारी चीज़ें देखने को मिलने लगती हैं। अब इसको बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई हम कम कर सकते हैं इसको, हम जो है ना ख़त्म कर सकते हैं इसको, हम ख़त्म इस तरह से कर सकते हैं कि हम मल्टी विटामिन दें। तो भाई मैं भी मल्टी विटामिन देता हूँ, मैं भी बर्ड्स को वाइमरल देता हूँ, मैं भी बर्ड्स को जो है ना सारी चीज़ें जो भी मतलब मल्टी विटामिन से रिलेटेड होती हैं सब कुछ देता हूँ, लेकिन उसके बाद में भी ऐसा होता है। तो यार मुझे लगता है कि भाई अगर आपके पैरेट्स चार ब्रीड सही कर रहे हैं तो बस चार ही क्लच लो। ज़्यादा के चक्कर में जब हम लोग पढ़ते हैं तभी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं। और ये कब होता है, अभी क्या है, अभी सीज़न अच्छा चल रहा है, ठंडी है, सारी चीज़ें प्रॉपर हैं, लेकिन जैसे ही टेम्परेचर चेंज होता है, मतलब जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा हम गर्मी की तरफ बढ़ेंगे, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलने लगती हैं। जब तक टेम्परेचर सही रहता है, कहीं ना कहीं टेम्परेचर का भी हो सकता है खेल इसके अंदर होता हो, क्योंकि भाई एक अंडे को मतलब अंडे में से बच्चा बनने के लिए एक सही टेम्परेचर की ज़रूरत होती है, और अगर उसको सही टेम्परेचर नहीं मिलता है तो अंडे ख़राब होने लगते हैं और सारी प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो ये जो मसले होते हैं ना, ये कहीं ना कहीं यही मसले हैं कि भाई चीज़ें जो है ना हमारी जो ब्रीडिंग से रिलेटेड चीज़ें हैं वो यही है कि भाई मैं तो आपको सजेस्ट करूँगा कि भाई चार क्लच इनफ होते हैं, आप चार क्लच तक लो, और उसके बाद अगर आपको थोड़े भी सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप कोई भी चीज़ दे दो, मतलब इनको लगातार कितने भी आप जो है ना मल्टी विटामिन यूज़ करा दो, कितने भी आप इनको चीज़ें दे दो, लेकिन जो प्रॉब्लम्स आ रही होती है, मतलब जो प्रॉब्लम्स हो रही होती है ना, वो उसको कैसे सॉल्व करोगे आप, वो नहीं सॉल्व होती। भाई मैंने जहाँ तक की देखा है, मैंने चीज़ों को समझा, अगर किसी के पास एक बेटर सजेशन है कि भाई आप ये करो आपको हमेशा क्लच अच्छे मिलेंगे, तो भाई मैं भी उसको अप्लाई करूंगा। और मेरे जो व्यूवर्स हैं, मेरे जो जानने वाले हैं, मेरे जो मुझे देख रहे हैं, मेरी जो 1,00,000 लोगों की फैमिली है, मैं उसके साथ भी ये चीज़ ज़रूर से ज़रूर शेयर करूंगा, क्योंकि हर किसी को भाई इस चीज़ की ज़रूरत होती है और हर कोई चाहता है। मेरे पास इसका कोई चीज़ नहीं है, मतलब कोई भी सोल्यूशन नहीं है मेरे पास, मेरे पास बस यही सोल्यूशन है कि अगर आप चार क्लच अच्छी ब्रीड चाहते हो, पांच क्लच अच्छी ब्रीड चाहते हो, तो अपने पैरट्स को अच्छी डाइट दो, अच्छी फीड दो, अच्छी चीज़ें उनको खाने के लिए दो, जितना हो सके आप उनको बेटर चीज़ें यूज़ कराओ, मल्टी विटामिन का ख्याल रखो, आप उनके कैल्शियम ब्लॉक का ख्याल रखो, आप उनके लिए कैल्शियम का ख्याल रखो, और उनको जो भी चीज़ें देते हो जैसे कि समुद्री फेना हो गया, नमक हो गया, मिट्टी हो गई, ये सब चीज़ें केज में प्रॉपर होनी चाहिए। एंड डाइट भी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट फूड, बजीज पैरट्स के लिए ग्रीन फूड, सॉफ्ट फूड बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ठीक है ना, अगर आप उसको सॉफ्ट फूड या ग्रीन फूड नहीं देते हो ना तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती हैं। तो आपको चाहिए ये कि आप जो है ना उनको ग्रीन फूड, सॉफ्ट फूड और गंदम, ये सारी चीज़ें प्रॉपर वे में भाई भिगो करके दो, अगर आप उनसे अच्छी तरीके से ब्रीड लेना चाहते हो। मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पैरट्स को रोटी ज़्यादा यूज़ कराता हूँ, भिगो करके रोटी जो है ना ब्रीडिंग टाइम में ज़्यादा देता हूँ, गंदम भी देता हूँ लेकिन ब्रीडिंग टाइम पे रोटियाँ ज़्यादा देता हूँ। तो अच्छी ब्रीड के लिए आप ये सारी चीज़ें अप्लाई करो और एक टाइम आएगा कि आपके पैरट्स अच्छी ब्रीड करने लगेंगे। और अगर जैसा कि मैंने बताया भाई, चार क्लच के बाद चीज़ें ख़राब होने लगती हैं तो तब आप ब्रीड रोक सकते हो, हटा दो, मतलब नहीं है ख़राब चीज़ें लेने का, वो पैरट्स भी बेचारा चीज़ें जो है ना गलत उसके साथ में होंगी। और इससे अच्छा ये है कि भाई हम कम लें अच्छी लें। मैं हमेशा यही सोचता हूँ, मैं क्या सोचता हूँ कि मेरी एवेरी में थोड़ी ब्रीड हो लेकिन परफेक्ट ब्रीड हो, अच्छी ब्रीड हो, बच्चे निकले बढ़िया निकले, किसी को किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स ना हो। मतलब ये नहीं है कि हम जो है ना 10-10, 12-12 बच्चे निकल रहे हैं उसमें से आधे ज़्यादा कंडम है, उसके बाद कोई फीमेल घुस गई उसने मार पिटाई मचा दी, किसी की टांग काट दी, किसी को मार डाला, तो ये सब चीज़ें देख करके यार मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है और मैं ये सब चीज़ें एवेरी में देखना नहीं चाहता। इसीलिए मैं बहुत कम चीज़ें जो है ना करता हूँ अपनी एवेरी के अंदर और बहुत कम चीज़ों से ही अपनी चीज़ों को बेटर करने की कोशिश करता हूँ। तो गाइज विंटर टाइम चल रहा है और विंटर टाइम में ऐसा कुछ होता रहता है, तो आप परेशान ना हो एंड अपने बर्ड्स को अच्छे से ख्याल रखें, अपना अच्छे से ख्याल रखें और जितना हो सके बच करके रहें। कोविड चल रहा है, घर में सेफ रहें, सुरक्षित रहें और अपने बर्ड्स का भी अच्छे से ख्याल रखें। ये हमारी एक बहुत छोटी सी वीडियो कंडम बेबीज़ को लेकर के थी, कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा एंड जुड़े रहें हमारे चैनल से इसी तरह की वीडियो देखने के लिए। थैंक यू सो मच गाइज़, बाय बाय।